सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है। राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हिमाचल के लिए क्या योगदान रहा है, इसका जवाब भी दें। साथ ही अनुराग ठाकुर से पूछा कि चुनावों से पहले या बाद में अनुराग ने रेल लाइन हमीरपुर में आने का राग अलापा है, लेकिन अनुराग ठाकुर बताएं कि आखिर रेल कहाँ है। सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है। राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हिमाचल के लिए क्या योगदान रहा है, इसका जवाब दें। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से हिमाचल प्रदेश के लिए उनका क्या योगदान रहा है उस पर भी स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि अब उनके पास खजाना है। हिमाचल प्रदेश को जब से उन्होंने सत्ता ली है तब से लेकर आज तक उनका हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए, जो कि उनका अपना राज्य है, उसके लिए उनका क्या योगदान रहा है। साथ ही अनुराग ठाकुर से पूछा कि चुनावों से पहले या बाद में अनुराग ने रेल लाइन हमीरपुर आने का राग अलापा है, लेकिन अनुराग ठाकुर बताएं कि आखिर रेल कहां है। राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा कि पहले रेल लाइन की ना पर अनुराग ठाकुर जनता को गुमराह करते रहे हैं, लेकिन अब अनुराग ठाकुर स्थिति स्पष्ट करें कि राज्य सरकार के द्वारा रेल लाइन के लिए 50% राशि खर्च करने का क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि अब तो अनुराग ठाकुर सांसद के अलावा वित्त राज्य मंत्री भी हैं, तो वह स्थिति को स्पष्ट करे। 2008 से तब से लेकर आज तक जब भी चुनाव हुए हैं या चुनावों के बाद उन्होंने एक राग अलापते रहे कि ऊना से हमीरपुर के लिए रेल लाइन हम बना के कई बार उन्होंने पैसा स्वीकृत होने की बात कही, कई बार उन्होंने सर्वे की बात कही, और अब जो कि मीडिया के माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं कि केंद्र सरकार जो है उसने 50% जो खर्चा होगा वो हिमाचल प्रदेश सरकार इसको उठाए, तो इस पे अनुराग ठाकुर स्थिति स्पष्ट करें कि क्या अब वो वित्त मंत्री भी हैं, खजाना भी उनके पास है, क्या स्थिति रेलवे को लेकर है, क्या रेल लाइन ऊना से हमीरपुर बनने वाली है कि फिर से लोगों को ठगने का ये धंधा जो है वो जारी रहे। राजेंद्र राणा ने गत दिनों में प्रदेश में संपन्न हुई इन्वेस्टर मीट पर चुटकी लेते हुए कहा कि इन्वेस्टर मीट में बीजेपी और सरकार कई भागों में बंटी हुई नजर आई है। राणा ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने बेंगलोर के उद्योगपति के साथ अलग से मुलाकात करके प्रदेश सरकार से कोई उम्मीद न होने की बात कही, तो अनुराग स्पष्ट करेंगे अनुराग हाई एल्टीट्यूड सेंटर बनाने के लिए हिमाचल प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम जमीन मांग रहे हैं या फिर SPCA के नाम प्रदेश में जमीन मांगी जा रही है। अभी जो इन्वेस्टर मीट हुई है और उस इन्वेस्टर मीट में सरकार जो है और भारतीय जनता पार्टी इन्वेस्टर मीट में भी कई भागों में बंटी नजर आई। अब यह चर्चा का विषय रहा कि अनुराग ठाकुर जी ने एक बेंगलोर के एक उद्योगपति आइस स्केटिंग जो कि कंपनी बनाती है उनसे उन्होंने अलग से मुलाकात करके उन्हें यह कहा कि प्रदेश सरकार से आप उम्मीद मत करें, तो प्रदेश की जनता जानना चाहती है, हम जानना चाहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर जो बनाने के लिए जमीन मांग रहे हैं क्या ये हिमाचल प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम मांग रहे हैं या कि बाकी ही जो सोसाइटीज एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई थी उसके नाम आते हैं।
राजेंद्र राणा ने बीजेपी में पत्थर बम पर कहा कि बीजेपी में इतने समय में पत्थर बम की जांच क्यों नहीं हो पाई है और अब जांच पूरी हो गई है तो जांच को सार्वजनिक किया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करे। कि इतना समय हो गया, इन्हीं के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ये कोई पत्थर बम नहीं फेंका था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साबित हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतने समय में ये जो इसकी जांच हुई है, उस जांच को सार्वजनिक किया जाए, लोग जानना चाहते हैं। अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके प्रति क्या कार्रवाई हो रही है, और जो उसमें आरोप लगाए हैं क्या उनमें सच्चाई क्या है। तो इसको जो है सरकार जो है वो सार्वजनिक करे। राजेंद्र राणा ने धर्मशाला में एमएससी धर्मशाला एमसी धर्मशाला में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए जेई केस में कई सरकार के नुमाइंदों के नाम सामने आए थे, तो इस जांच रिपोर्ट को भी सरकार सार्वजनिक करे। उन्होंने आरोप लगाया कि जेई रिश्वत मामले को भी सरकार दबाने में लगी हुई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक जेई को 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, और उस जेई को पकड़ने के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सरकार में बैठे कई लोगों के नाम उसमें शामिल होने की चर्चाएं हैं। तो सरकार इसको स्पष्ट करे कि जेई जो कि रिश्वत लेते हुए 1,00,000 रुपया कैश लेते हुए पकड़ा गया और 5,00,000 रुपए की डील हुई, तो किसके इशारे से हुई, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, इसको क्यों दबाया जा रहा है, इसको भी सार्वजनिक किया जाए। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल लेखराज खुशहाल जगोता भी मौजूद रहे।